नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं बॉलीवुड न्यूज। बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को शनिवार की शाम को मुंबई के नानवती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैं अमिताभ बच्चन के बेटे और एक्टर अभिषेक बच्चन का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। अभिषेक को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमिताभ और अभिषेक के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनके घर के सभी सदस्यों और स्टाफ का कोरोना टेस्ट करवाया गया था, जिसमें ऐश्वर्या बच्चन और जया बच्चन की रिपोर्ट निगेटिव आई है। बाकी घर वालों की टेस्ट रिपोर्ट अभी नहीं आई है, जल्द ही उनकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। 78 वर्षीय अमिताभ बच्चन को लीवर की दिक्कत सहित कई स्वास्थ्य समस्याएं हैं। ऐसे में कोरोना पॉजिटिव निकलने पर एक्टर को अधिक सतर्क रहने की जरूरत हुई। हालांकि वह अपनी उम्र के हिसाब से काफी ज्यादा वर्कआउट करते रहते हैं। जैसे कि अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आई, इसके बाद उनके फैंस और बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग उनकी सलामती की दुआ करने लगी। परेश रावल, रितेश देशमुख, मनोज वाजपेयी, लारा दत्ता, परिणीति चोपड़ा सहित तमाम सेलिब्रिटीज ने उनके जल्द ठीक हो जाने की कामना की है। अमिताभ बच्चन से पहले कई बॉलीवुड सेलेब्स इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ चुके हैं। सबसे पहले कनिका कपूर को कोरोना वायरस हुआ था और उसके बाद तो किरण कुमार, करीम मुरानी और उनकी दोनों बेटियाँ जोआ और साजा मुरानी सहित तमाम सेलिब्रिटी कोविड-19 पाए गए थे। अमिताभ बच्चन के वर्क फ्रंट की बात की जाए तो हाल ही में उनकी फिल्म गुलाबो सिताबो डिजिटली रिलीज हुई है। इस फिल्म में उनके साथ आयुष्मान खुराना भी थे। वहीं उनकी आगे की फिल्मों में झुंड, ब्रह्मास्त्र और चेहरे जैसी फिल्में हैं। अभिषेक बच्चन की डेब्यू वेब सीरीज ब्रिथ इंटू द शैडोज में 10 जुलाई को रिलीज हुई। पिछले कई दिनों से अभिषेक इस वेब सीरीज की डबिंग के लिए स्टूडियो जा रहे थे। उन्हें कई बार डबिंग स्टूडियो के बाहर मास्क लगाए देखा गया था। अभिषेक ने अपने कोरोना पॉजिटिव होने की बात की पुष्टि करते हुए ट्वीट किया है और बताया है कि वे भी अमिताभ की तरह नानवती अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। बता दें कि शनिवार को रेखा का एक सिक्योरिटी गार्ड कोरोना पॉजिटिव निकला है। इसके बाद बीएमसी ने मुंबई के बांद्रा एरिया में रेखा के बंगले को सील कर दिया है। इस बंगले के बाहर एक नोटिस चिपका कर इसे कोरोना कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच तेलंगाना से बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। यहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों की शव को ऑटो रिक्शा से कब्रिस्तान ले जाया गया। हैरानी वाली बात यह है कि शव अस्पताल प्रशासन की बिना देख रेख के ले जाया गया। मामला तेलंगाना के निजामाबाद स्थित सरकारी अस्पताल का है। जानकारी के मुताबिक अस्पताल प्रशासन ने परिजनों को बिना किसी एम्बुलेंस के ही अंतिम संस्कार के लिए 50 वर्षीय कोरोना मरीज का शव सौंप दिया। मामला सामने आते ही अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर एन राव ने कहा, मृतक का एक रिश्तेदार अस्पताल में काम करता है, उसी के आग्रह पर शव को उसे सौंप दिया गया था। अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि मृतक के रिश्तेदार अस्पताल के मुर्दा घर में काम करने वाले एक व्यक्ति की मदद से एक ऑटो रिक्शा में शव को रखकर ले गए। उन लोगों ने एम्बुलेंस का इंतजार ही नहीं किया। आपको बता दें कि 50 वर्षीय मरीज को 27 जून को निजामाबाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वह कोविड पॉजिटिव था। इलाज के दौरान व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। दुनिया भर के तमाम देशों में कोरोना वैक्सीन बनाने को लेकर तेजी से काम चल रहा है। इसी बीच खबर है कि चीन बड़े स्तर पर कोरोना वैक्सीन के ट्रायल और उत्पादन की तैयारी में जुटा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैनासिनो बायोलॉजिक्स नाम की चीनी कंपनी ने विदेशों में वैक्सीन का बड़ा ट्रायल करने के उद्देश्य से सऊदी अरब, रूस, ब्राजील और चिली से संपर्क किया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चीन में कोरोना वायरस का संक्रमण काफी कम हो चुका है, लेकिन कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के लिए कोरोना संक्रमण से प्रभावित इलाकों के वॉलंटियर्स को वैक्सीन का डोज देना होता है। इसलिए चीन विदेशों में वैक्सीन ट्रायल शुरू करने की तैयारी कर रहा है। मौजूदा समय में अमेरिका के बाद कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देश ब्राजील का नंबर आता है। ऐसे में यह कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। कैनसिनो बायोलॉजिक्स कंपनी के फाउंडर क्यू डोंगजू ने विदेश में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को शुरू करने की योजना के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही फेज 3 ट्रायल शुरू हो जाएगा। इस दौरान 40,000 लोगों की कोरोना वैक्सीन का डोज देने की तैयारी की जा रही है। देश में कोरोना का आंकड़ा 8.5 लाख के करीब पहुंच चुका है। यूपी में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसको देखते हुए प्रदेश की योगी सरकार ने 3 दिन का लॉकडाउन किया था, जो कल समाप्त हो रहा है। सूत्रों की माने तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार संक्रमण से निपटने के लिए नए प्लान पर काम कर रही है। यूपी सरकार कोरोना से निपटने के लिए
वीकेंड लॉकडाउन फार्मूला लागू करने वाली है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यूपी में अब हर हफ्ते वीकेंड लॉकडाउन लगेगा। इसके तहत अब यूपी में हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान सभी बाजार और दफ्तर बंद रहेंगे, यानी प्रदेश में केवल 5 दिन ही बाजार और दफ्तर खुलेगा। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए एक नया प्लान लागू करने का फैसला लिया गया है। माना जा रहा है कि आज ही कुछ देर में इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि वीकेंड पर लॉकडाउन लगाने का यह फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई टीम 11 की बैठक में लिया गया था। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए ट्रांसमिशन चेन तोड़ने के लिए निर्णय लिया गया। बता दें कि यूपी से पहले कर्नाटक सरकार भी वीकेंड लॉकडाउन का फार्मूला अपना रही है। कर्नाटक सरकार भी पहले ही वीकेंड पर लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर चुकी है। कर्नाटक में 2 अगस्त तक हर शनिवार और रविवार को सभी बाजार और दफ्तर बंद रहेंगे। यूपी में कोरोना के पिछले 24 घंटे में कुल 1403 केस मिले। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 35,092 पहुंच गई। अब तक उत्तर प्रदेश में कुल 913 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव केसों की संख्या 11,490 है। उत्तर प्रदेश में डिस्चार्ज मरीजों की कुल संख्या 22,679 है। अनलॉक के दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के विभिन्न शॉपिंग मॉल्स में लोगों की आवाजाही और बिक्री बढ़ गई है। कारोबारियों ने बताया कि कोरोना का संक्रमण अब सबसे अधिक रफ्तार से बढ़ रहा है, लेकिन लोग खरीदारी से पीछे नहीं हट रहे हैं। पिछले महीने की 8 जून से ही कोलकाता के सारे शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति मिल गई थी। उसके बाद से धीरे धीरे लोगों का आना जाना शुरू हुआ था। अब जबकि जुलाई के दूसरे सप्ताह में संक्रमण सबसे तेज गति से बढ़ रहा है, तो लोग भी तेजी से खरीदारी करने लगे हैं। इसकी वजह यह है कि अभी भी अधिकतर जगहों पर वर्क फ्रॉम होम की अनुमति है और घर पर रहने वालों को आसपास मौजूद शॉपिंग मॉल में जाने का समय आसानी से मिल जा रहा है। इसके अलावा कोलकाता में लॉकडाउन मानकों को आसान बनाने के बाद शॉपिंग मॉल्स में बिक्री काफी बढ़ गई है। महाराष्ट्र के राजभवन में 16 कर्मचारियों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, इसलिए राजभवन को पूरी तरह सैनिटाइज कर दिया गया है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पूरी तरह स्वस्थ हैं, लेकिन उन्होंने खुद को एकांतवास कर लिया है। जानकारी के अनुसार राजभवन में कार्यरत इलेक्ट्रीशियन का कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद राजभवन के लगभग 100 कर्मचारियों की कोरोना टेस्ट करवाई गई थी। इनमें से 55 लोगों की रिपोर्ट आई, जिनमें 16 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 45 कर्मचारियों की रिपोर्ट रविवार को शाम तक आने वाली है। राजभवन में कोरोना की दस्तक की जानकारी मिलते ही मुंबई नगर निगम के कर्मचारी तत्काल वहां पहुंचे और राजभवन को पूरी तरह सैनिटाइज किया गया और राजभवन को पूरी तरह सील कर दिया गया है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पर खतरा मंडराने लगा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच अनबन की खबरें लगातार सामने आ रही है। गहलोत पहले ही भारतीय जनता पार्टी पर सरकार गिराने का आरोप लगा चुके हैं। अब सामने आ रहा है कि सचिन पायलट कैब के लगभग 22 विधायक गुरुग्राम में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सचिन पायलट भी दिल्ली में हैं और उन्होंने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने का समय मांगा है। सूत्रों के अनुसार पायलट खेमे के सदस्य माने जाने वाले विधायक पीआर मीणा ने राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार द्वारा उनसे किए जाने वाले सौतेले व्यवहार से सोनिया गांधी को अवगत कराने के लिए उनसे मिलने की मांग की थी। इसी बीच मुख्यमंत्री गहलोत ने शनिवार देर रात जयपुर में अपने आधिकारिक आवास पर अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई और सभी पार्टी विधायकों को उन्हें समर्थन पत्र देने को कहा। इस कार्य के लिए वरिष्ठ मंत्रियों को चुना गया है। हालांकि पायलट खेमे के मंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हुए। इससे पहले शनिवार को गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि सरकार स्थिर रहेगी और 5 साल चलेगी। देश की मायानगरी मुंबई में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद से वह अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं अब अनुपम खेर के परिवार में कोरोना ने दस्तक दे दी है। उनके परिवार में माँ भाई समेत 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अनुपम खेर ने इसकी जानकारी ट्वीट के जरिए दी है। उन्होंने इसके साथ एक वीडियो भी शेयर किया है। अनुपम ने वीडियो में बताया कि कुछ दिनों से उनकी माँ दुलारी की तबीयत खराब थी, उन्हें भूख नहीं लग रही थी और वे सोती रहती थी। डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने अपनी माँ का ब्लड टेस्ट करवाया, जिसमें सब ठीक निकला। बाद में सीटी स्कैन करवाया, जिसमें टेस्टिंग के दौरान उनमें कोरोना के लक्षण मिले। उनमें हल्के कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। दोस्तों,
यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हमें हमारी मेहनत के लिए सपोर्ट मिल सके। धन्यवाद।